हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कितांग सेटी क्लास। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल कोर्स के अंदर मॉड्यूल 1 जो कि है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसका आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रेजेंटेशन यूजिंग एमएस पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट का यूज करके हम प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे और क्रिएट करना भी सीखेंगे और कैसे प्रेजेंट किया जाता है अपने बॉस के आगे, अपने सीनियर के आगे, अपने प्रोजेक्ट को कैसे हमें प्रोजेक्ट कराना है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका क्या इंडेक्स है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है एमएस पावर पॉइंट और ये 5 चैप्टर है और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे सारे ऑप्शन, यानी पावर पॉइंट के सारे ऑप्शन को हम समझेंगे। फिर एक प्रेजेंटेशन तैयार कैसे किया जाएगा उसको समझेंगे, एक प्रेजेंटेशन भी हम आपको तैयार करके बताएंगे एंड इस पे एनिमेशन कैसे अप्लाई किया जाता है उसको भी हम समझाएंगे। एनिमेशन का मतलब मैं बता दूँ आपको, एनिमेशन मीन्स जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कोई मोशन देना, जैसे वो घूमता हुआ है घूमता हुआ जाए या फिर कोई मूविंग हो उसमें, तो एनिमेटेड टाइप का जैसे कार्टून वीडियो बनते हैं उस टाइप का, हमें कुछ एनिमेटेड टाइप का एनिमेशन लगा के हम प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे एनिमेशन ये सब भी हम सीखेंगे एंड स्लाइड शो कराना सीखेंगे, यानी कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करें, तो स्लाइड शो कैसे कराना पूरे फुल स्क्रीन में, ये सब हम सारे एजेंडा सारे टॉपिक्स टिप्स एंड ट्रिक को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप देखें, बहुत ही अच्छा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट को। एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ भी मिल जाएगा, या फिर जैसे वर्ड एक्सेल अभी तक हम ओपन करते आए हैं वहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करते ही आपको इस तरह का लुक मिलेगा जो कि है पावर पॉइंट। और इसमें मैं आपको कुछ पहले ब्रीफ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफिस बटन, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है आपको इसे हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे फाइल का नाम एंड एप्लीकेशन का नाम शो करता है। यहाँ पे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है और जो फाइल का नाम है वो प्रेजेंटेशन 2 के नाम से है और एंड में आपको यहाँ राइट साइड में मिल जाएगा कंट्रोल बटन, ओके। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा होम टैब है और इसके बाकी सारे टैब्स हैं, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एंड यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो है इसको हम नेविगेशन बोलते हैं, जहाँ पे जितने भी हम स्लाइड ऐड करेंगे वो सारे स्लाइड यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे अभी तो फिलहाल एक ही स्लाइड है और भी जितने भी हम स्लाइड तैयार करेंगे वो सारे स्लाइड यहाँ पे दिखाई देंगे, हमें यहाँ पे नेविगेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, हम बहुत ही ईजी तरीके से जितने नंबर स्लाइड पर जंप करना चाहते हैं हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे एक नोट्स लिखने के लिए जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आप कोई नोटपैड की तरह यहाँ पे आप नोट्स टाइप कर सकते हैं। और यहाँ रोलर बार है, बेसिकली सारे कंपोनेंट आपको मैंने बता दिया। और नीचे आपको सबसे नीचे मिल जाएगा यहाँ पे स्टेटस बार, स्टेटस बार पे कितने स्लाइड है वो मिल जाएगा, ऑफिस थीम मिल जाएगा और जो भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमें यहाँ पे व्यू टूल मिल जाएगा कि हम अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड को कैसे प्रेजेंट कराना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको जूमिंग स्लाइडर मिल जाएगा, यानी कि आप अपने स्लाइड को कैसे जूम करना है, कितना परसेंट जूमिंग करना है, वो सारा मेंटेनेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। आइए अब हम ऑप्शन के तरफ चलते हैं और यहाँ देखेंगे ये होम टैब है एंड होम टैब के नीचे आप देखेंगे कि होम टैब के बहुत सारे टूल बार रखे हुए हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, डिज़ाइन है और एडिटिंग, लास्ट एडिटिंग है। तो ये सभी टूल बार है जो कि होम टैब के टूल बार है, जिसमें एक ये नया है जैसे स्लाइड है, तो स्लाइड में नई स्लाइड लेना है, स्लाइड को डिलीट करना है, स्लाइड की लेआउट सेट करना है। ये जो टूल बार है ये एमएस पावर पॉइंट में नहीं है, बाकी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ ये सब हमारा पिछले वाले सॉफ्टवेयर की तरह ही इसमें भी है। कट कॉपी पेस्ट करना है, फॉन्ट को चेंज करना, उसकी अलाइनमेंट सेट करना, ये सब हमने जो पहले पढ़ चुका है सारे ऑप्शन वही है।
बट इसमें जो नया है मैं उसको बता देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड रखी हुई है, हमने इस पर कोई काम कर दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टाइटल रखा हुआ है और यहाँ पर सब टाइटल लिखने की जगह दी हुई है। अगर हमें और स्लाइड की ज़रूरत है तो हम न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड के टाइप रखे हुए हैं। आपको जिस भी टाइप का स्लाइड लेना है आप उस टाइप के स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो वो आपके टाइम फाइल में अपीयर हो जाएगा। जैसे हम ब्लैंक स्लाइड की ज़रूरत है तो हमने ब्लैंक पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे स्लाइड वन से यहाँ पे स्लाइड टू हो चुका है और ये एक ब्लैंक स्लाइड हमें मिल चुका है। इसी तरह से और भी हमें स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ से और भी स्लाइड को सेट कर सकते हैं। अगर किसी स्लाइड के डिलीट करना है तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और यहाँ डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड यहाँ से डिलीट हो चुका है। लेआउट की बात करें तो लेआउट मीन्स है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा स्ट्रक्चर है, तो ये जो हमारा स्लाइड ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है इसकी कैसे स्ट्रक्चर हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने दूसरा वाला सिलेक्ट किया तो यहाँ देखेंगे कि एक लेआउट आ चुका है जिसमें ऊपर टाइटल लिखने की जगह दे रहा और यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है। हम डायरेक्ट यहीं से भी ग्राफिक्स को ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई मूवी क्लिप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जिसके मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फॉन्ट की तरफ चलते हैं। तो फॉन्ट और पैराग्राफ आप देखेंगे तो ये अनहाईलाइट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट को, कोई टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट ही नहीं किया। यहाँ आप जो डॉटेड लाइन से लिखा हुआ आप देख रहे हैं क्लिक टू ऐड टाइटल, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने एक टाइटल लिख लिया गीतांश आईटी क्लास। तो अब देखिए जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया यहाँ फॉन्ट के जितने भी ऑप्शन है, पैराग्राफ के जितने ऑप्शन है, यानी फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, दैट मीन्स कि ओपन हो चुका है। अब हम इसमें वो सारे काम को कर सकते हैं। जैसे हमने अनसेलेक्ट किया आप देखेंगे यहाँ पे वो फिर से अनहाइड हो चुका है, हाइड हो चुका है। तो हम यहाँ पे जैसे फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मेटिंग हम यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा। एक इसमें बहुत ही अच्छी फीचर है शैडो के लिए। जैसे हम टेक्स्ट के पीछे शैडो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हल्का सा शैडो आ रहा है, जैसे कि 3D शेप में हमारा टेक्स्ट दिखाई दे, ठीक है। एक और इसमें ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का, जिसमें जो दो कैरेक्टर के बीच की स्पेस को ये कम ज़्यादा करेगा। जैसे हमने वेरी टाइट कर दिया तो आप देखेंगे सारे कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, बहुत ही क्लोज हो चुके हैं। अगर हम लूज करें तो आप यहाँ देखेंगे कि दोनों स्पेस कैरेक्टर की जो स्पेस है वहाँ पे ये जब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, लूज हो रहा है, दैट मीन्स कि इनकी डिस्टेंस बढ़ते जा रही है, दो कैरेक्टर के बीच की डिस्टेंस यहाँ से बढ़ते जा रही है। अगर हम नॉर्मल करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल हो गया, टाइट करेंगे तो और ये एक दूसरे के पास चिपकते चले जा रहे हैं। हमने नॉर्मल करके देख लिया तो ये दो ऑप्शन इसमें नए हैं, बाकी अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और यहाँ से है चेंज केस, कैपिटलाइज इस वर्ड करना, सबको कैपिटल करना है तो अपर केस कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे सभी अपर केस में हो चुका है, ठीक है। तो ये है फॉन्ट टूल के ऑप्शन और इसमें आप जितना बेहतर सोच सकते हैं उतना बेहतर आप काम कर सकते हैं। जैसे आप कोई एडवर्टाइजमेंट का पेज बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये अलाइनमेंट वाला है, जैसे सेंटर अलाइनमेंट से लिखना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। MS Word में भी बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में पढ़े हैं, MS Excel में भी पढ़े हैं, तो ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है।
यहाँ सेप्स है, सेप्स भी हमने इंसर्ट टाइम में पढ़ा था कि सेप्स अगर कोई इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इन सेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई स्टार बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम यहाँ से स्टार को डिजाइन कर सकते हैं। वही ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाएगा सेप्स में आने के बाद, इंसर्ट में आने के बाद। यहाँ से आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर भी कर सकते हैं, तो वो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है अलाइनमेंट के लिए। तो दो या दो से अधिक पिक्चर को अलाइनमेंट करना है तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। और ये सारे ऑप्शन को हमने एमएस वर्ड के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जब हम इंसर्ट टैब में पिक्चर पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने एक फॉर्मेट टैब को देखा था और इस फॉर्मेट टैब में हमने सारे ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो प्लीज़ आप उसे एक बार विजिट कर ले, क्योंकि हमने हर एक ऑप्शन को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ है सेप्स फील, सेप्स के अंदर की कलर भरना है, आउटलाइन कलर भरना है। तो ये सब कुछ हमने उस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ उस सेप्स की इफेक्टेड है, आप कोई 3D टाइप का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 3D शेप में दे सकते हैं। जैसे कि ये स्टार 3D दिख रहा है तो इस टाइप से आप सेप्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेप्स की स्टाइल की बात। और लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये एडिटिंग वाला है कि कोई कैरेक्टर को ढूंढना है, फाइंड करना है, या फिर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो रिफ्लेक्स का यूज करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आप होम टैब में देखेंगे कि एक स्लाइड वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है, बाकी सब कुछ पुराने वाले ही ऑप्शन है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन पे एक हमारा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। एमएस वर्ड में भी हमने इन सारे ऑप्शन को बहुत ही डिटेल समझा है, एंड एमएस एक्सेल वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने इसे पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट इंसर्ट टैब में चलते हैं। तो इंसर्ट टैब में आप देखेंगे सभी सेम ही ऑप्शन है जो कि हमने पीछे पढ़ चुका है। इस टैब में अगर हम देखें नई चीज़ें, तो नई चीज़ें हमें एक यहाँ पे फ़ोटो एल्बम दिख रहा है। फ़ोटो एल्बम बाकी एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में नहीं है। और हम देखें तो इसमें आपको दिखेगा मूवी एंड साउंड, यानी कि हम अपने स्लाइड पे कोई मूवी क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इसमें कर सकते हैं। बट एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के फाइल में हम मूवी क्लिप को ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम साउंड भी लगा सकते हैं कि प्रेजेंटेशन आपका चलते रहे और बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी आते रहे, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। आइए हम फोटो एल्बम करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने फ़ोटो एल्बम पर क्लिक किया, न्यू फोटो एल्बम हम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फाइल को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है फाइल एंड डिस्क, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फ़ोटो की कलेक्शन वाली फोल्डर होगी आप उस फोटो के कलेक्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, पिक्चर में आते हैं, पिक्चर वाले फोल्डर को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी फोल्डर में इमेज रखा होगा, बहुत सारा इमेज, तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे जो इमेजेस है वो सारे इमेज यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट कर दिए तो आप यहाँ देखिए पिक्चर की सारी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, हमने 19 इमेज को सिलेक्ट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे इमेज यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिएट। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, आप देखिएगा कि एक नई फाइल में एक नई प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है जिसका टाइटल है फोटो एल्बम और किसके द्वारा बनाया गया है। तो इस कंप्यूटर का यूज़र नेम यहाँ पर आ रहा है और हम देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ आप देखेंगे सभी इमेज पे, सभी स्लाइड पे एक एक इमेज अपीयर हो चुका है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, एक बार में पूरे के पूरे फोल्डर पे जितने भी इमेज हैं उन सबको स्लाइड पे अटैच करने के, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसके मदद से हमने एक फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर लिए हैं। आप यहाँ देखेंगे बारी बारी से सारे फ़ोटो अटैच हो चुके हैं। तो ये था फोटो एल्बम ऑप्शन का काम। बाकी नेक्स्ट जो है वो है सेप्स है, जिसमें प्रीडिफाइंड सेप्स रखे हुए हैं। जैसा
ड्रॉ करना है, उस शेप को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्मार्ट आर्ट डायग्राम के लिए है, फिर चार्ट है, चार्ट में आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, जैसा भी आपको चार्ट बनाना है तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक एक्शन टेक्स्ट बॉक्स हेडर फुटर, तो ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लें, और अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे, उसका आंसर देंगे। तो नेक्स्ट जो है हेडर फुटर, हम हेडर फुटर एक बार बता देते हैं इसमें कि स्लाइड पे हेडर फुटर कैसे वर्क करता है। तो हेडर फुटर में हमने दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे ऑप्शन चूज करने के लिए आ रहा है कि हम फुटर कैसे यूज़ करें। जैसे डेट एंड टाइम हमें लिखना है तो हम डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने की ऑप्शन दे रहा है, तो हमने इस पर जैसे ही चेक किया आप यहाँ पर देखेंगे डेट, आज का डेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आज का डेट हो चुका है, जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन की ये डेट है, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा फॉर्मेट है डेट की, जिस भी डेट को आप लिखना चाहते हैं वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइम देना चाहते हैं तो आप टाइम को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्लाइड नंबर, अगर आप जैसे पेज नंबर यूज़ करते हैं उस तरीके से स्लाइड नंबर भी अपने स्लाइड पे ऐड करना है तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। और आप यहां देखेंगे जैसे हमने स्लाइड नंबर पे चेक किया है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक हो चुका है, यानी कि स्लाइड यहां पे आएगा, जो स्लाइड नंबर है वो हमारे राइट साइड में आएगा। अगर आप फुटर में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फुटर ऑप्शन में जो भी क्लिक मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आप यहां पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, गीतांग से आईटी क्लास हमने लिख लिया और ये हमारा फुटर ऐड हो चुका है। हमने क्या क्या ऐड किया, तो डेट एंड डेट को भी हमने ऐड कर लिया और स्लाइड नंबर ऐड कर लिया और फुटर ऐड कर लिया। अब हम अप्लाई टू ऑल करेंगे, अगर सिंपल अप्लाई करेंगे तो एक ही स्लाइड पे लगेगा, अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितने भी स्लाइड है सभी स्लाइड पे ये फीचर अप्लाई होगा। तो हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं और आप देखेंगे कि जितने भी स्लाइड हैं हमारे उन सभी स्लाइड पे बॉटम में यहाँ पे आ रहा है, आप ध्यान से देखें। यहाँ फुटर में हमने गीतांश आईटी क्लास लिखा था तो वो मिडिल में आ रहा है, और लेफ्ट साइड में डेट आ रहा है, और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइड नंबर, यानी कि ये जो स्लाइड है ये दूसरा नंबर स्लाइड है, फर्स्ट नंबर जो स्लाइड है उस पर हमारा फोटो एल्बम लिखा हुआ है, हमने जूम करके आपको दिखा दिया। इस तरीके से हमने जितने भी बनाए हैं उतने सारे स्लाइड पे ये चीज़ अप्लाई हो चुका है। एक बार मैं फिर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और जो हमने फुटर मैसेज दिया था वो फुटर मैसेज यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे स्लाइड नंबर है कि ये कितने नंबर स्लाइड है। तो इस तरीके से हम हेडर फुटर ऐड करेंगे। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट, जो कि आपको बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइन में, बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन में कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि हमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है जिसके मदद से हम बहुत ही सुंदर स्टाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए बहुत ही कितना अच्छा सुंदर आ चुका है, और भी आप यहाँ से इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, इसकी शैडो देना है तो आप इसमें शैडो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे टेक्स्ट में हल्की सी चेंजेस हो रही है, और 3D शेप देना चाहते हैं तो आप यहां से 3D में भी आप इसे बना सकते हैं। हम कोई एक 3D शेप ले लेते हैं, पहले मैं इसको साइड में कर दूं ताकि ये भी हमें दिखाई दे, और हम यहां से 3D ऑप्शन को यूज़ करते हैं। आप देखिए ये 3D टाइप का दिख रहा है, ठीक है, हमने एक यहां से सेलेक्ट कर लिए, ये 3D हमारा बन चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, स्टाइल है, और अगर आपको कोई राउंड शेप देना है इस टाइप का तो आप यहाँ से भी वह स्टाइल दे सकते हैं,
यहाँ आप देखिए बहुत सारे स्टाइल लिखा हुआ है, हमने ऐसा एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए कितना सुंदर स्टाइल यहाँ पे बन चुका है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके वर्किंग के ऊपर कि आप कैसा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, कैसा एडवर्टाइजमेंट वाला पेज बना रहे हैं, कैसा आप ग्राफिक्स वाला काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंसर्ट टैब के। और नेक्स्ट जो है वो है डेट एंड टाइम। अगर करेंट डेट एंड टाइम लगाना है तो वही ऑप्शन है जो कि हमने हेडर फुटर में यूज़ किया था। और नेक्स्ट जो है ये है मूवी एंड साउंड। यहाँ आप साउंड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट करने की आएगी। आप ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करके आप स्लाइड पे अटैच कर सकते हैं। अगर कोई मूवी वीडियो बनानी है, वीडियो टाइप वीडियो फाइल को अटैच करना है तो आप यहाँ से वीडियो फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला जो टैब है वो है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में हम अपने स्लाइड को डिज़ाइन देते हैं। तो हम एक ब्लैंक वाला ओपन कर लेते हैं, जो हमारा पहले वाला स्लाइड था हमने उसको ओपन कर लिया है। अब देखिए हम इस पर डिज़ाइन अप्लाई करके देखते हैं। तो डिज़ाइन में आप देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो जैसा आप यहाँ से थीम सेलेक्ट करेंगे उस थीम में हमारा स्लाइड कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ देखिए हमने एक थीम सेलेक्ट किया तो थीम जैसा था हमारा उस टाइप के सारे स्लाइड अटैच हो गए। हमने ये ब्लैक वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक वाला आ चुका है। और भी यहाँ पे बहुत सारे थीम हैं, हमने जिस थीम को सिलेक्ट किया वो थीम यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो अपने स्लाइड को एक अच्छा लुक देना है, एक अच्छा डिज़ाइन तैयार करना है तो उसके लिए आप यहाँ से थीम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे आपको, आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, जैसा आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेड लाइन है, आप ग्रेड लाइन में दो कलर का कम्बिनेशन करके आप बना सकते हैं। अब इसे मैं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट जो है वो है एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट को या अपने स्लाइड को थोड़ा सा मोशन दे सकते हो। जैसे कि मैं इस स्लाइड पे आता हूँ, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इमेज है इस इमेज को मैं मोशन करना चाहता हूँ, कोई मूव करे, या फिर ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम मोशन में देना चाहते हैं, थोड़ा सा हिले डुले। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई मूवी होती है तो मूवी में जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट इधर से घूमते हुए आता है फिर उधर चला जाता है। तो इस टाइप का कुछ एनिमेटेड वाला काम करना है तो आप एनिमेशन टाइम टैब में आएंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको एनिमेशन लगाना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कस्टम एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एनिमेशन लगाने की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जिसमें आप चार तरीके से एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है वो है एंट्रेंस, सेकंड जो है वो है एम्फेसिस, नेक्स्ट जो है वो है एग्जिट, एंड थर्ड जो है वो है मोशन पाथ। दैट मीन्स कि जैसे आपकी स्लाइड चल रही होगी तो उसमें कोई टेक्स्ट अपीयर हो, इंसर्ट करे, तो उसके लिए आप एंट्रेंस का यूज़ करेंगे। आप यहाँ देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे कि कैसे वो आपके स्लाइड पे अपीयर हो। आप यहाँ टेक्स्ट को भी ध्यान में रखें तो टेक्स्ट को आप देखेंगे कि कैसे कैसे ये स्टाइल हो रहा है। इस तरह के हमने बहुत सारे स्टाइल को देख रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप एनिमेटेड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हमने इसको ओके कर दिया तो ये बन चुका है, एक एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुका। इसको चला कर देखना है तो आप यहीं से प्ले करके देखेंगे तो ये एक एनिमेशन इस पर लग चुका है। अब हम नेक्स्ट एक और बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये स्टार है, मैं इस स्टार पे लगा दूं तो आप देखिए कि इसके हम मोर इफेक्ट में आएंगे तो पूरी की पूरी ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
जैसे मैं ये ऐड कर दूँ या फिर और भी इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये जूमिंग वाला हो गया, ये स्विंग करते हुए आएगा, और भी इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप देखिए कितना सुंदर सुंदर स्टाइल है, आप किसको लगाना चाहते हैं, जिसको भी लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं एक को ओपन कर देता हूँ, और भी इसमें बहुत सारे हैं, आप बारी बारी से सबको करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इसमें मोशन हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक सेट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे दो हमने एनिमेशन लगा लिए। ये तो था ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगाना। अगर आपको स्लाइड के ऊपर एनिमेशन लगाना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ आप देखिए बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे आपको, जैसे ये स्लाइड ओपन हो तो इस पर कौन सा एनिमेशन वर्क करे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम एक अप्लाई करके लगा देते हैं, हमने एक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम दूसरे वाले स्लाइड पे भी लगा के देख देते हैं, दूसरे पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और इस पे हम कुछ लिख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखने के लिए कोई चीज़ मिलता नहीं है, आपको हर चीज़ यहाँ पे अलग से इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो इंसर्ट पे हम जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पावर पॉइंट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये हमें दिखाई दे। इसको हम कलर कर देते हैं, इस पे स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ और भी इसकी फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा स्लाइड है और अब हम चाहते क्या है कि ये जो स्लाइड है इस स्लाइड के ऊपर भी एनिमेशन हो, तो हमने एक एनिमेशन इस पे अटैच कर दिया, ठीक है। इसको हम प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए जैसे जैसे हमने एनिमेशन लगाया था वो इस टाइप से आगे को चल रहा है। ये तो था फर्स्ट स्लाइड की। अगर इसको आप स्लाइड शो कराना चाहते हैं यानी फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड शो। जैसे आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखिए जैसे जैसे हमने ये लगा रखा था ये पूरे फुल स्क्रीन में यहाँ पे दिखाई देगा। और ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला हमारा स्लाइड ओपन हो चुका है। सेकंड वाला जब कंप्लीट होगा तो इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। अब आप एस्केप बटन प्रेस करके आप फिर से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो था कुछ एनिमेशन वाला काम। इसको एक चीज़ और यहाँ पे आप फोकस करें तो एनिमेशन जब चल रहा होता है तो वहाँ आपको दो टाइप को मिलेगा चलाने के लिए। एक है कि एनिमेशन जब स्लाइड शो चल रहा होगा तो आपके माउस क्लिक पे चले या ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहे। तो अगर आप माउस क्लिक पे चेकआउट किया हुआ है तो यानी कि ये जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तब वो नेक्स्ट एनिमेशन आते रहेगा। अगर ये ऑटोमेटिक कर देंगे, माउस क्लिक हटा देंगे तो एनिमेशन अपने आप चलते रहेगा। जैसे एक स्लाइड कंप्लीट होगी फिर नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एनिमेशन के लिए कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो आप माउस के अकॉर्डिंग भी ऑपरेट कर सकते हो या फिर ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर छोड़ सकते हैं, ये ऑटोमेटिक भी ऑपरेट होते रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड शो कराने के लिए। तो स्लाइड शो कराने की यहाँ पे ऑप्शन दे रही है कि हमें स्टार्टिंग से स्लाइड शो करनी है या फिर जो स्लाइड अभी ओपन है वहाँ से स्लाइड शो करने हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टैब है वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आप वही सारे ऑप्शन देखेंगे जो कि एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में हमने किया था। स्पेलिंग चेक करना, रिसर्च करना, ट्रांसलेट करना, थेजर्स करना एंड कमेंट लगाना, इसको प्रोटेक्ट करना। तो ये सारे ऑप्शन प्रीवियस वाले ही हैं। अगर आप प्रीवियस वाले वीडियो देखे हैं तो सेम ऑप्शन यही है और वर्किंग भी उसका सेम जैसा ही है।
इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टैब में भी स्टार्टिंग में आपको दिखाएगा कि कैसे व्यू है, व्यू टैब में है कि आप अपने स्लाइड को कैसे व्यू करोगे, कैसे स्लाइड शो करानी है। तो स्लाइड शो कराने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ये नॉर्मल व्यू है जब जहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से दिख रहा है। एक है स्लाइडर शूटर, जैसे कि बहुत सारे जितने भी स्लाइड होंगे उन सारे स्लाइड को यहाँ पे दिखाएगा। हम एक दो और स्लाइड ऐड करके आपको दिखाते हैं। अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो होम टैब में जाएंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा लेआउट है बट आपको ब्लैंक करना है। आप ब्लैंक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम व्यू में जाकर स्लाइड शूटर करते हैं तो आपने देखिए कि हमारे इस प्रेजेंटेशन में, इस फाइल में कितने स्लाइड हैं, तो 4 स्लाइड लगे हुए हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड पे कुछ काम किया गया है, बाकी 2 ब्लैंक हैं। नेक्स्ट जो है वो है नोट्स पेज। नोट्स पेज बहुत ही अच्छा है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ जो स्लाइड है, अगर इस स्लाइड के बारे में आपको कोई नोट्स लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक टू ऐड नोट्स है। इसको आप जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल की करेंगे तो यहाँ पे नोट्स लिखने की बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी। ये नोटपैड की तरह है, जैसे आप नोटपैड में टाइप करते हो ठीक उसी तरह आप यहाँ भी टाइप कर सकते हो, और टाइप करने के बाद फिर आप इसे नीचे सेट डाउन कर दे, ये छुप जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें नोट्स और प्रेजेंटेशन दोनों को एक साथ देखना है तो उसके लिए आप नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर हमारा स्लाइड दिखा रहा है और नीचे हमने जो नोट्स में टाइप किया था वो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसे हम नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्लाइड शो। तो स्लाइड्स हो चुकी, हमने पहले भी बताया आपको कि जितने भी हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया, जितने भी हमारे पावर पॉइंट में स्लाइड्स बने हुए हैं, इन सभी स्लाइड को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे फुल स्क्रीन में दिखाना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम स्लाइड शो का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है F5। ओके, स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या है, F5। आप नॉर्मली F5 बटन प्रेस कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक फंक्शन की होता है, तो फंक्शन के साथ आप F5 बटन प्रेस करोगे। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको डायरेक्ट F5 बटन प्रेस करने की ज़रूरत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसे हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारा पेज है स्लाइड का वो फुल स्क्रीन में हो चुका है, और इस पर हमने एनिमेशन लगाया हुआ है, जो कि जैसे हम कोई माउस क्लिक करेंगे अब देखिए, या फिर कोई अदर बटन प्रेस करेंगे तो वो जो जैसे जैसे एनिमेशन लगा हुआ है टेक्स्ट पे, ठीक वैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब फिर मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट एनिमेशन आ चुका है, फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर नेक्स्ट स्लाइड, इस तरह से जितने भी हमारे स्लाइड्स हैं वो सारे स्लाइड दिखेंगे और लास्ट में एंड हो जाएगा, यानी कि सारे स्लाइड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एस्केप बटन प्रेस करके स्लाइड शो व्यू से वापस आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि जब अपना सारा कंटेंट को स्लाइड पे आप अटैच कर दिए हो, जब आप कॉन्फ्रेंस हॉल में आप प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर अपने जो भी ऑडियंस है उसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, उस टाइम पे आप स्लाइड शो का यूज़ करोगे। अगर एडिटिंग वाला काम कर रहे हो, अभी आप क्रिएट ही कर रहे हो, तो क्रिएट करते वक्त आप स्लाइड शो का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है वो सब है मास्टर, जैसे स्लाइड मास्टर हो गया, हैंडआउट मास्टर हो गया, नोट्स मास्टर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये जो नेक्स्ट आगे की जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर, तो इसमें सेटिंग की जाती है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन का व्यू है वो कैसा है। यानी कि जैसे जैसे हम न्यू स्लाइड की ज़रूरत पड़ रहा है तो हम न्यू स्लाइड अपीयर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फॉर्मेट आता है, जैसे अटैच करने की, या फिर कोई भी बहुत सारे, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी सेकंड इंसर्ट किए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टाइटल लिखने की जगह आ रही है, यहाँ पे एक होल्डर है जहाँ से हम डायरेक्ट टेबल भी होल्ड करा सकते हैं, चार्ट होल्ड करा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, मूवी, हम इसमें से कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम टेक्स्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये एक टेम्पलेट बना हुआ है जो स्टाइल है। अगर हम बार बार न्यू स्लाइड करें, जैसे हमने इस पर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड किया, आप देखेंगे एक और 3 इंसर्ट हुआ,
और टू दोनों में सेम ही फॉर्मेट आ रहा है। और ये हमारा जो फॉर्मेट, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे GIITM लिखा, तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, बट हम चाहते हैं जब भी मैं लिखूँ रेड कलर से ही आए, ठीक है। तो कुछ हम फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाए, जब भी हम इस प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड ले या फिर हम जब भी स्लाइड यूज़ करें तो हमेशा एक ही फॉर्मेट यूज़ हो, तो उस केस में हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम एक करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ से सपोज ये हमारा जो फॉर्मेट है, अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो अब देखिए, हम स्लाइड मास्टर में जाते हैं और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो जहाँ जहाँ आप यूज़ कर रहे होंगे वो सारा सेल ऑटोमेटिक, सारा स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसकी कलर की बात करूँ तो ये ब्लैक कलर की दिख रहा है, अगर मैं इसको रेड कलर कर दूँ, ठीक है, इसको इटैलिक कर दूँ एंड इसको मैं शैडो लगा देता हूँ, ठीक है, और ये हमने काम कर दिया, और इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, तो ये हमारा स्टाइल हो चुका है, जिसकी साइज कितनी होगी 40 हो गई। अगर हम फॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। हम कोई फॉन्ट देख लेते हैं अच्छी सी, और हम यहाँ पे एक फॉन्ट लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से रवि करके एक फॉन्ट है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट को चेंज कर लिया, और मैं इसको एक एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉन्ट हमारा हो चुका है, जिसकी साइज कितनी रहेगी, साइज की फिक्स कर देते हैं हम, साइज हमारा होगा यहाँ पे 30। ओके, हम यहाँ पे 30 नंबर की साइज कर देते हैं। अब हम इसको ओके करेंगे, हमने एक सेटिंग कर दी फॉर्मेट की। अब जैसे हम इसको ओके करेंगे, स्लाइड मास्टर व्यू में आकर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मेन काम क्या है, फॉर्मेटिंग को सेट करना, ओके, ना कि कंटेंट सेट करना। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो आप देखिए हम अपने मेन प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं, जिसकी यहाँ पे देखिए हमने जो GITM लिखा था जो ब्लैक कलर का था, अब वो रेड कलर का हो चुका है। अब जैसे हमने नेक्स्ट सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू ऐड, ठीक है, टाइटल। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो उस फॉर्मेट में लिखने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ POWERPOINT, ठीक है, मैंने पावर पॉइंट लिखा, तो अब देखिए वही स्टाइल बार बार आएगा। अब जब भी मैं न्यू स्लाइड अपीयर करूँगा, न्यू स्लाइड में हम उस फॉर्मेट का यूज़ करूँगा, तो आप देखेंगे बार बार वो सेम फॉर्मेट ही आ रहा। आप 4 नंबर पे भी देखेंगे कि क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी टाइटल देंगे तो वो उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हम पूरे अपने प्रेजेंटेशन को एक बार में अगर चेंजेस करना चाहते हैं, कोई फॉर्मेटिंग, अगर सेम स्लाइड का यूज़ किया गया है, सेम फॉर्मेट का यूज़ किया गया है, तो वो सारे स्लाइड अफेक्टेड होंगे, सारे स्लाइड चेंजेज होंगे, ठीक है। तो हम अपने पूरे प्रेजेंटेशन के स्लाइड को मैनेज करने के लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे। जैसा इसमें फॉर्मेटिंग है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल है, इसकी लेबल जो भी सेट है, वो सब कुछ सेम सेम आएगा। आप जो भी फॉर्मेट यहाँ से चूज करेंगे उस फॉर्मेट में वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये था, अगर आप यहाँ से थीम भी चेंज करना चाहते हैं तो थीम का भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप थीम लगा दे तो वो थीम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ से क्लोज करेंगे, आप अपने मेन प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं। अब मेन प्रेजेंटेशन का भी यहाँ पे स्लाइड का जो बैकग्राउंड थीम था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्टार का कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज, बिकॉज कि हमने इसका जो फॉर्मेटिंग था उस फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे हम पूरे प्रेजेंटेशन को मैनेज करते हैं, पूरा मेंटेनेंस करते हैं स्लाइड मास्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में क्या होगा, तो जब हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट करेंगे तो वो कैसा प्रिंट आउट होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये हमारा पेज हो गया, और इस पेज पे आप देखेंगे तो 6 स्लाइड प्रिंट होके आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्या प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, कैसा लेआउट में हम कैसे पेज में प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, हेडिंग फुटर क्या हम पेज कराना चाहते हैं, वो सब हम यहाँ से डिसाइड करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जो फर्स्ट वो पेज सेटअप है, पेज की साइज कितनी होनी चाहिए, स्लाइड की जो ऑन स्क्रीन है वो सब यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्लाइड की यहाँ पे साइज को सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हैंडआउट ओरिएंटेशन, यानी कि जो पेज प्रिंट आउट होगा वो पोर्ट्रेट मोड में होगा या लैंडस्केप मोड में होगा, उसकी हम सेटिंग यहाँ से करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से लैंडस्केप करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे पेज चौड़ा हो चुका है, लैंडस्केप में हो चुका है, और एक पेज में कितने प्रिंट आउट होंगे स्लाइड, 6 स्लाइड प्रिंट आउट होने वाले हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट में करूँ तो ये पोर्ट्रेट मोड में हो चुका है और इसमें भी 6 स्लाइड प्रिंट आउट हो रहा है। अगर हम कम स्लाइड कर दें या फिर हम और भी ज़्यादा ऐड करें तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 स्लाइड प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रिंट आउट होगा, 9 स्लाइड प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेटिंग को कर सकते हैं, यानी कि हमारा स्लाइड एक पेज पर कैसे प्रिंट आउट हो उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेडर एंड फुटर। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हेडर प्रिंट आउट करना है तो उसको चेक कर दीजिए, अगर नहीं करना तो उसको अनचेक कर दीजिए। तो चूंकि यहाँ पे सारे चेकआउट है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ प्रिंट आउट होने वाला है, और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हेडर एंड डेट प्रिंट हो रहा है और नीचे यहाँ पे फुटर एंड टाइम प्रिंट हो रहा है, तो पेज नंबर, तो इस तरीके से ये प्रिंट आउट का फॉर्मेटिंग है। अगर आप किसी को नहीं चाहते तो वो यहाँ से आप हटा सकते हैं, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि रिमूव हो चुका है, ओके। तो आप कैसा फॉर्मेट प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई थीम यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और कलर है, कलर भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, तो ये सारा काम सेम ही है। बैकग्राउंड चेंज करना है, सॉलिड कलर डालना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो यानी जो भी आप यहाँ से सेटिंग करेंगे वो सब कुछ सेटिंग आपके प्रिंट आउट पेज पे होने वाला है कि कैसा प्रिंट आउट होगा। तो आप यहाँ से सेटिंग करके आप क्लोज करेंगे तो सारा इफेक्ट आपके डॉक्यूमेंट पे आने वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नोट्स मास्टर, यानी कि ये स्लाइड एंड नोट्स के बारे में बात कर रहा है। जब नोट्स को भी हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो नोट्स हमारा कैसा हो, पोर्ट्रेट में हो, लैंडस्केप में हो, तो वो सारी चीज़ को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और बाकी सारे ऑप्शन सेम ही है, बैकग्राउंड सेटिंग करना एंड यहाँ पे हेडर फुटर स्लाइड पेज सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे ऑप्शन वही हैं पीछे वाले ही। और बट इसमें ये है कि एक नोट्स के स्लाइड के साथ उसका नोट्स भी प्रिंट आउट होगा, ठीक है। तो ये था नोट्स मास्टर, और यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, इसके सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्यू टैब में। नेक्स्ट बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रूलर है, ग्रेड लाइन है, कि आप अपने पेज पे रूलर ग्रेड लाइन लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेड लाइन पे चेकआउट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन अपीयर हो चुका है पूरे स्लाइड पे, तो ये ग्राफ की तरह आपको दिखने लगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेड लाइन हटा सकते हैं। रूलर की बात करें तो यहाँ पे रूलर है लेफ्ट साइड एंड टॉप साइड पे, अगर रूलर नहीं लगाना चाहते तो इसे अनचेक कर दीजिए, अगर लगाना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आगे का जो है वो है जूमिंग, यानी कि अपने पेज को जूमिंग करना है तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना परसेंट जूम करना है, तो अभी तो फिलहाल 50% जूमिंग है। अगर आप फिट करना चाहते हैं, यानी कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 400, 200, जितना भी आपको सेटिंग करनी है जूमिंग की वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद से कोई नंबर डिसाइड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट से आप जो भी नंबर प्रिंट आउट करना चाहते हैं यहाँ से आप खुद से भी टाइप करके जूमिंग कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है फिट टू विंडो, यानी कि विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर। कलर मींस क्या हुआ कि अभी तो कलरफुल सिलेक्टेड है, यानी जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ कलरफुल दिख रहा है, रेड ब्लू सब कुछ, वाइट सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि ग्रे स्केल दिखाई दे, यानी कि ब्लैक एंड वाइट बन जाए, तो यहाँ आप देखिए ब्लैक एंड वाइट बन चुका है। तो ये ब्लैक एंड वाइट की सेटिंग अगर फिर से आपको कलरफुल बनाना है तो बैक टू कलर व्यू आप कर सकते हैं, ये सब कुछ कलर में आ जाए। तो यहाँ कलर के लिए ग्रे स्केल है, प्योर ब्लैक एंड वाइट के लिए है तो प्योर ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये था कलर से सेटिंग के लिए, आप फिर यहाँ से कलर टू कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट है
न्यू विंडो में क्या होगा कि सेम प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट विंडो बनते चला जाएगा और उन सारे विंडो को हम एक साथ अरेंज करना, कास्केड करना, मूव करना, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं और इसके हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड में सारे कुछ हमने कवर कर लिया था। ये पीछे का ही ऑप्शन है जो कि हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन माइक्रोस के साथ ये सारे हमने पिछले वीडियो में एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल दोनों में ही कवर किए हुए हैं। आप प्लीज़ आपको उसमें देख लें, उसमें बहुत ही डिटेल हमने कवर किया है। मैं इसको बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि हमने इसमें पहले बता दिया है। इसके टाइम में हम आपको एक लाइव प्रेजेंटेशन बनाकर दिखा देते हैं कि आखिरकार प्रेजेंटेशन तैयार कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए हम इसी पेज को मॉडिफाई करते हैं, हम इस स्टार को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सपोज हम गीतांश आईटी क्लास की एक प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, तो हमने एक तो यहाँ पर लिख ही रखा है गीतांश आईटी क्लास, जो कि हमारा मेन टाइटल हो गया, ये हेडिंग हो गया। अब हम यहाँ पे और हम यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कोर्सेज को दिखाना चाहते हैं, तो हम पहले तो एक ये हेडिंग है तो हेडिंग के नीचे हम एक अंडरलाइन शो कराना चाहते हैं। तो अंडरलाइन अब कैसे आएगा, तो अंडरलाइन लाने के लिए हम शेप्स ऑप्शन का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे अंडरलाइन यूज़ करते हैं और यहाँ देखिए और शिफ्ट बटन के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब चूंकि लाइन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थिक है तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। तो लाइन को सिलेक्ट करते हुए हम फॉर्मेट टैब में आएंगे और यहाँ से इसकी जो थिक है और उसकी जो विड्थ है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर बढ़ा के 6 पॉइंट कर दिए। अब यहाँ पे इसकी कुछ फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से हमने ब्लैक चूज़ कर लेते हैं, ब्लैक अच्छा लग रहा। और आगे को चलते हैं, नेक्स्ट ये लाइनिंग भी आ गया। अब हम क्या शो कराना चाहते हैं, तो अपने कोर्सेस को शो कराना चाहते हैं। तो कोर्स तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे। यहाँ पे हर काम अलग से इंसर्ट किया जाता है, स्लाइड पे आप कुछ कर नहीं सकते। अगर टेक्स्ट लिखना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिख लेते हैं और यहाँ ड्रॉ करेंगे क्लिक करते हुए और इसमें हम लिखेंगे आवर कोर्सेस। ठीक है, आवर कोर्सेस। अब इसकी क्या क्या कोर्सेस है, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। इसको बोल्ड कर देते हैं, कलर हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ब्लू सिलेक्ट कर लिए और हमने यहाँ पे इसके साइज को मेंटेन कर लेते हैं। इसको कलर पर्पल कलर, ऐसे कलर जो आप सही लगे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर ले लिया और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि दिखाई दे और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर हम अंडरलाइन भी लगा देते हैं और नेक्स्ट काम हम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम कोर्सेज को दिखाना चाहते हैं कि हम कौन कौन से कोर्सेज करा रहे हैं, तो वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसमें हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं। जो अब हम यहाँ पे कोर्स लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, हमने डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया। इसके साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं और इसके कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं और ब्लैक रखने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। इसकी जो फॉन्ट है फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, फॉन्ट को हम रख देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। इसकी साइज को और इंक्रीज कर देते हैं ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक कोर्स का नाम लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग जो कि है और इस पे अगर हम बुलेट लगाना चाहें तो बुलेट भी लगा सकते हैं। यानी कि आप जितना बेहतर सोच सकते हैं, जितना अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कोर्स हमने लिख दिया। इस तरीके से हम और भी कोर्स लिख सकते हैं और मैं बता दूं कि अगर बार बार आप ड्रॉ करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप इसी को डुप्लीकेट करते चले जाओ।
ठीक है। डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, आप देखें यहाँ पे कितनी फटाफट काम हो रहा है। और बस अब हमें क्या करना होगा, तो इसे रीनेम करना होगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं इसका। इसका नाम हो गया ओ एंड ए लेवल, ठीक है। ओ लेवल एंड ए लेवल, ये भी एक कोर्स है, ये भी हम कराते हैं और इसी का आप वीडियो भी देख रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोर्स लिखते हैं। नेक्स्ट हम वैसे ही करेंगे, कंट्रोल डी कर करके आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोटोशॉप और हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। देखिए कितना फटाफट हो रहा है। अब हम इसमें लिख लेते हैं BCC एंड CCC, ये भी कोर्स होता है IT क्लास में। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं टैली। तो यहाँ पे हमने कुछ कोर्सेस लिख लिया है। और भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये फॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ का हो गया, तो आप एक साथ इन सबको मैनेज कर सकते हैं। अगर अलग अलग सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल बटन के साथ हर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इन सबको सिलेक्ट कर लिया है और बहुत देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। और भी हम इसमें मैनेज कर सकते हैं इसको, इन सबको और भी हम साइज़ को छोटा करके इसमें हम और भी कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपको एडिशन एडजस्टमेंट करना है वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसका एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कोर्स को लिख दिया। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट आगे पीछे हो रहा है, अगर गैपिंग सही से नहीं है तो इन सबको आप सिलेक्ट करके सबका अलाइनमेंट भी आप ठीक कर सकते हैं। कैसे, तो सबको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में आएंगे, फिर अलाइन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है इन सब में जो भी स्पेस है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे सब में जो भी गैपिंग है दो लाइन के बीच में वो सब कुछ इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहते हैं। तो इमेज आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप लोगो लगा सकते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड लगा सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिप आर्ट का यूज़ कर रहा हूँ, इंसर्ट टैब में जाऊँगा, क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर और कंप्यूटर लिख के मैं गो करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे इमेज ओपन हो चुके हैं। अब मैं इसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया जो कि यहाँ अपीयर भी हो चुका है। जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये फिट हो सके, अच्छा लगे देखने में। लेकिन एक गड़बड़ हो रहा है, इसकी जो फेस है ये दूसरे तरफ है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फॉर्मेट में आप जाएंगे, देन रोटेट ऑप्शन मिलेगा आपको, रोटेट में आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली करेंगे। आप देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन है, ये इस साइड इसका फेस मूव हो चुका है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप बात करें बैकग्राउंड चेंज करने की, अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, वाइट आपको अच्छा नहीं लग रहा, वैसे वाइट सही है, अगर आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने बैकग्राउंड एक दे दिया और बहुत सारे यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दे मिल जाएंगे। जैसा भी आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ये सही रहेगा। मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और देखिए जैसे मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया पूरे स्लाइड पे वही सेम इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। बाकी सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो भी एक्सटर्नल है मैं इन सारे स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। ये एक स्लाइड मैंने बचा लिया। अब क्या करना है इस पर कि स्लाइड तो बन गई, एक बार मैं स्लाइड शो करके भी दिखा देता हूँ। व्यू में जाकर स्लाइड शो करते हैं, आप देखिए यहाँ पर हमारा पूरा स्लाइड शो आ चुका है। और यहाँ देखेंगे जो कि कितांग साइटी क्लास यहाँ पे
एनिमेटेड है, इसलिए ये एनिमेशन के थ्रू आ रहा है। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है जिसके मदद से आप किसी को प्रेजेंटेशन तैयार करके आप अपने जो भी कंटेंट है उसको प्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये हमारा गीतांग सेटी क्लास है जहाँ पे हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग ओ एंड ए लेवल, फोटोशॉप, BCC एंड CCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड CCC टैली भी कराते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हम सारे लैंग्वेजेस को कराते हैं। तो ये हमारा IT क्लास है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। अपना वेबसाइट लिंक भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे साइड में, और कॉन्टेक्ट नंबर भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जितना आपको अच्छा लगे, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पे लिख दो, ये बॉक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर या फिर वेबसाइट की लिंक आप लिख सकते हैं। मैं जैसे वेबसाइट की लिंक लिख देता हूँ www.com, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। अब मैं इसको प्रेजेंट कराता हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ ऊपर www.githanshu.com दिख रहा है, तो ये हमारा वेबसाइट है। इसी में कॉन्टैक्ट नंबर दिखा सकते हैं, ईमेल आईडी दिखा सकते हैं, बहुत सारे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखा सकते हैं, और राइट साइड में अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एक मैंने डेमो दिखाया था, वैसे आप किसी भी टॉपिक पे आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है वो तैयार करके आप अपने जो भी सीनियर है, बॉस है, उनके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पावर पॉइंट का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ओ लेवल कोर्स कंप्लीट कर सके, वो भी ओ लेवल एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सके, क्रैक कर सके, ताकि उसमें जब भी आप जाओगे एग्ज़ाम देने तो उसमें ओ लेवल कोर्स में प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों एग्ज़ाम होते हैं। तो हमने थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करके आ सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो हमने एक प्रैक्टिकल भी करके दे दिया है। अब आपको क्या करना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, आप उस ऐड को उठाएं और खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश करें। टूटा फूटा ही सही, लेकिन करने की कोशिश करें, एक दिन आप बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं और एक अच्छे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। चार तरीके की इसमें एनिमेटेड करने की ऑप्शन है, आप उन चारों ऑप्शन का यूज़ करें और बहुत ही इफ़ेक्टिव आप प्रेजेंटेशन तैयार करें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने फेसबुक वॉल पर भी शेयर करें, ताकि फ्री वीडियो के मदद से ज़्यादा लोग सीख सकें और नॉलेज गेन कर सके, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके, अच्छी नौकरी पा सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इस तरीके के नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।